बिहार के लोग दुनिया के अधिकांश देशों के दर्द से लेते हैं। ये आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा बिहारी ये मॉरिशस के अंदर है, और ये मॉरिशस जाने का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ, इतिहास बताता है कि 1810 में यूरोप के अंदर दास प्रथा का खात्मा हो गया। उसके पहले आपको मालूम है कि जो कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, वहां पर जो गुलाम होते थे, जो दास होते थे, उनसे खेत खलिहान में लोग काम करते थे। जब 1810 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दास प्रथा की समाप्ति का विधेयक पारित कर दिया, तब उसके बाद एक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं, उपनिवेश हैं, वहां कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा। और कहा जाता है कि 1830 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, यहां के बंदरगाहों से और लोगों को पानी के जहाज में घुस घुस कर भर भर कर और मॉरिशस और दुनिया के बाकी देशों में भेजा गया। पाकिस्तान के आसपास ये अधिकांश कलकत्ता बंदरगाह से गए थे, और इनको ये लालच दिया गया कि वहां जाओगे तो पत्थर के नीचे सोना मिलेगा, 3 साल बाद लौट कर आ जाओगे, 6 माह का एडवांस दे दिया, और हजारों की संख्या में जो बिहारी मजदूर थे, खास करके भोजपुर, छपरा, सारण, बलिया, इन इलाकों के जो बिहारी मजदूर थे, उनको लाखों की संख्या में पानी की गाल में भर भर कर और मॉरिशस भेजा गया। पिछले दिनों मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला, भाई बिहार में मेरे पूर्व एक वर्ष